हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है इसे समझने के लिए हम एक जिंक इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल ले लेते हैं और हम जानते हैं कि जब गैलवेनिक सेल काम करता है तो मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच में चार्ज का एक्सचेंज आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होता है इन चार्ज का ट्रांसफ़र तभी पॉसिबल हो पाता है यदि मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलेटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसे ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं और यही पोटेंशियल इन रिएक्शंस की स्पॉन्टेनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं यह पोटेंशियल चार्ज ट्रांसफ़र के लिए एक ड्राइविंग फोर्स होता है तो इसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कह सकते हैं यदि हम एनोड की बात करें तो एनोड के केस में मेटल रॉड का पोटेंशियल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के पोटेंशियल से ज़्यादा होता है जिसके कारण मेटल के एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कैटायंस बनाते हैं और ये कैटाइंस लेसर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं यानी सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं यदि हम जिंक इलेक्ट्रोड के बारे में बात करें तो एनोड की रिएक्शंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं सिंस यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस केस में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं वहीं अगर हम कैथोड के बारे में बात करें तो कैथोड के केस में सॉल्यूशन का पोटेंशियल मेटल के पोटेंशियल से ज़्यादा होता है जिसके कारण सॉल्यूशन से कटायंस मेटल रॉड की तरफ मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाते हैं तो जिंक के रिडक्शन को हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं सिंस कैथोड पर रिडक्शन हो रही है तो कैथोड के केस में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं आई कन्वेंशन के हिसाब से किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इलेक्ट्रोड की हाफ सेल रिएक्शंस कभी भी अकेले नहीं होती हैं तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम वन मोल एच प्लस आयन सॉल्यूशन में एक ट्यूब की हेल्प से वन बार प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस को सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाते हैं करंट को कंडक्ट करने के लिए हम प्लेटिनम रॉड का कंडक्टर के तौर पर यूज़ करते हैं यदि हम प्लेटिनम के सरफेस पर हाइड्रोजन और एच प्लस आयन के इंट्रैक्शन को देखें तो मेटल सरफेस पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके एच प्लस बनाते हैं या फिर कहें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और आई कन्वेंशन के हिसाब से इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जीरो वोल्ट मान लेते हैं और इसी सरफेस पर एच प्लस आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस भी हो सकते हैं तो आई के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो वोल्ट होता है या फिर सिंपली कहें कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल जीरो वोल्ट होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस मानकर बाकी इलेक्ट्रोड्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करते हैं यदि हमें किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करना है तो सबसे पहले हम उस मेटल का स्टैंडर्ड मेटल इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसे हम मेटल रॉड को वन मोलर सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करके बनाते हैं फिर हम इस स्टैंडर्ड मेटल इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ एस पर कनेक्ट कर देते हैं याद रहे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमेशा एनोड की तरह ही कनेक्ट करते हैं तो इस केस में वोल्ट मीटर हमें जो रीडिंग देगा वह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी और हम जानते हैं कि आई कन्वेंशन के हिसाब से हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं तो इस तरह से हमें मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाता है यदि हम मेटल को उनके स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यूज़ के हिसाब से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमें एक सीरीज़ मिलती है जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं यदि किसी मेटल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल ज़्यादा आ रहा है यानी उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो वह आसानी से रिड्यूस होना प्रिफर करेगा वहीं अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम आता है तो वह मेटल रिड्यूस होना प्रिफर नहीं करेगा उल्टा वह ऑक्सीडाइज होना प्रिफर करेगा और हम जानते हैं कि जो तो सब्सटेंस आसानी से रिड्यूस होता है वह अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो यदि तो तो हम लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ से हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ की तरफ जाएंगे तो सब्सटेंस का ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होगा वहीं यदि हम हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज से लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ की तरफ जाएं तो सब्सटेंस का रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हेल्प से हम सब्सटेंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को भी समझ सकते हैं जैसे कि यदि हम क्रोमियम और सिल्वर लें और हमें पता करना है कि दोनों में से कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का यूज़ करके इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ को देखेंगे और हम जानते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वह आसानी से रिड्यूस होना चाहेगा तो वह अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो इस केस में सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम के रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा है तो सिल्वर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और हम यह भी जानते हैं कि यदि किसी सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो वह आसानी से ऑक्सीडाइज होगा और एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा तो इस केस में क्रोमियम एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा और रिएक्शन में ऑक्सीडाइज होगा गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो वह मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वह गैल्वेनिक सेल में एनोड की तरह एक्ट करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से हम मेटल्स की रिएक्टिविटी को भी चेक कर सकते हैं यदि हमें सिल्वर और क्रोमियम में ही यह पता करना है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो वह मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा या फिर ज़्यादा नेगेटिव होगा वह आसानी से ऑक्सीडाइज होकर दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देगा तो हम यह कहेंगे कि वह मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा इस केस में क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो क्रोमियम ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा